Hey guys, hope you are doing well. My name is Ajay and you are obviously watching Ajay Singh. तो आज हमारा डेट 39 है 90 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का. तो अभी फिलहाल मैं उठा था 9 बजे रात के. ठीक है, तो जल्दी से जिम चलते, 10 बज रहे फिलहाल. तो देखते जिम खुला है कि नहीं, कितना वर्कआउट कर पाते कि नहीं. आज थोड़ा सा सो ज़्यादा लिया था और थोड़ी सी पता नहीं गले में भी हल्का सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है कोल्ड होगा. तो फिलहाल जो है अभी जिम चलते हैं. आज क्या अपना बैक और बाइसेप है और फोरआर्म हल्के से करने हैं. ठीक है, तो जल्दी से बस ब्लैक कॉफ़ी पी लिए, अब चेंज करके चलते हैं. ब्लैक कॉफ़ी पी के हम जिम के लिए निकल गए थे. आज का वेट 69.7 है. हमने जो वर्कआउट की शुरुआत करी वो हमने लैट पुल डाउन के साथ शुरुआत करी. हमने बैक पहले जब हमने चालू करी, लैट पुल डाउन के 3 सेट हमने ये वेरिएशन के साथ करके, फिर हमने सीटेड रोइंग हमने करी, उसके भी हमने 3 सेट करे. देन हमने जो है बाइसेप कर्ल के फिर हमने 3 सेट लगाए थे. बाइसेप कर्ल के प्रॉपर करने के बाद हमने जो है प्रेचर कर्ल के भी हमने 3 सेट लगाए. प्रेचर कर्ल भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आप ऐड कर सकते हो. देन उसके बाद जो हमने फोरआर्म कर्ल करे, फोरआर्म की हमने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करी थी. देन उसके बाद हमने वर्कआउट फिनिश कर दिया था अपना. फिलहाल वर्कआउट वगैरह तो फिनिश कर लिया थोड़ा आज ना, मतलब बैक टू बैक मैंने सुबह में भी करी थी ना और आज भी करी है. सुबह लेग्स करी थी और आज पुल कर रहा हूँ. तो थोड़ा ना बॉडी अभी स्ट्रेस थे रिलीज, जो स्ट्रेस हुआ वो नहीं अभी तक हुआ और मसल अभी तक फटीक हो रखी थी. तो इस वजह से ज़्यादा हैवी नहीं, दो दो एक्सरसाइज मैंने हर चीज की करी है. बाकी घर चलते फिर अपनी डाइट वाइट ले. बहुत ज़्यादा ना स्वेट स्वेट सा हो रहा था तो नहा लिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा और शावर ले लिया तो बढ़िया है. हाँ, मतलब वर्कआउट के बाद. और अपना अभी है पनीर भुर्जी बना ली है, पनीर भुर्जी मतलब बनवा ली है और बाकी फिर अभी खाते हैं इसको. नॉर्मली पनीर फ्राई करके मैं खा के बोर हो गया था, तो मैंने पनीर भुर्जी खाई. देन हमने प्रोटीन लिया, देन हमने अपने जो है रोटी सब्जी खाई और मैंगो लिए. देन हमने अपने वाइटल्स वगैरह कंप्लीट करे, फिश ऑयल एंड जिंक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. ऑल तो सारे इंपॉर्टेंट हैं. फिलहाल डे एंड करते हैं यहीं पर. हमने अपना खाना ले लिया है, वाइटल्स कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, 39वां दिन आज, 39वें दिन की एंड जो है यहीं करते हैं. बाकी वर्कआउट थोड़ा सा बैक टू बैक हो गया तो थोड़ा सा ना बॉडी को रिलैक्स नहीं मिल पाया, तो इस वजह से ज़्यादातर मैं रेस्ट ही करता रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सो भी गया था बीच में. क्योंकि अभी जैसे कि मैं 4-5 घंटे की मैंने दोबारा से नींद ले ली थी. ठीक है, ताकि बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिले और जो मसल हैं वो रिकवरी जल्दी हो पाए. ठीक है, तो बाकी अभी 39वां दिन हो गया है, बाकी अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं 90 दिन होने में. तो उम्मीद करते हैं कि 90th डे जो हमारा होगा वो बहुत ही, उसमें बॉडी अच्छी दिखेगी हमारी. और थोड़े बहुत हम कोशिश करेंगे कि जो स्टमक है और एब्स वगैरह थोड़े बहुत विजिबल हों और मसल जितनी डिफाइन हो पाएगी हम उतनी कोशिश करेंगे. देखो 90th डे में मेरे को भी नहीं पता कि क्या होंगे, जो क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा. ठीक है, फिलहाल हम अपने आप पे फोकस कर रखा है, अपने आप काम कर रहे हैं. शुगर हम अपना कम ले रहे हैं जितना हो सकता है, शुगर इनटेक कम कर रहे हैं हम. ठीक है, फैट हम जो है गुड फैट जैसे बोलते हैं हम वही ले रहे हैं अभी. और कार्ब्स की क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं ले रहे ना ज़्यादा कम ले रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत ना मेरा वेट अभी इतना फ्लक्चुएट हुआ 72 से मेरा 69.70 something नीचे ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, तो उतना मेंटेनेंस अभी हम सारी चीज़ें ले रहे हैं ताकि ना ज़्यादा ड्रॉप हो, फ्लक्चुएट हो वेट में, और ना ज़्यादा वेट भी ड्रॉप हो और बॉडी भी मतलब मेंटेनेंस पे चलती रहे. ठीक है, और शुगर का हम कोशिश कर रहे हैं, हम शुगर कम रखें अपनी डाइट में, नेचुरल जितना हो सकता है. बाकी हनी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे बाकी. ठीक है, कुछ ये सीखने वाली चीज़ें हैं जब आप जैसे फैट लॉस जर्नी में होते हैं, शुगर कम अपना करूं शुगर में, क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा होती हैं. ठीक है, और जितनी कोल्ड ड्रिंक्स होगी हमारी, सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी वो कम करूं, उसमें भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं. और फिलहाल आज के लिए यही ज्ञान है कि अपना वर्कआउट मिस मत करो, डाइट पर कंट्रोल रखो. डाइट जो है मेन गेम है, क्योंकि जो 2 घंटे आप वर्कआउट करते हो वो तो जिम में होता है, बाकी जो 22 घंटे होते हैं ना जिम के बाहर वो कैसे आप कहते हैं स्पेंड करते हो उस पर डिपेंड करता है आपके जो गोल है अचीव होता है या नहीं होता. ठीक है, तो स्टिक टू द डाइट रहो. बाकी आज के लिए यही इतना ही है, मिलते हैं 40वें दिन में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और वीडियोस को लाइक करते रहें. अगर आप नए हैं चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और बाकी यही है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो @AjaySinghOfficial पे @AjaySinghOfficial, ठीक है, फिर उस पर फॉलो कर सकते हैं मेरे को. बाकी मिलते हैं कल 40वें दिन में, तब तक आप ध्यान रखें.